नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 8 कुछ तो लोग कहेंगे इस पाठ को मैंने पढ़ा दिया था, समझा दिया था। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को भाषा कौशल बताने जा रहा हूँ। भाषा कौशल का पहला प्रश्न है, शुरू में जब वे लोग पैदल जा रहे थे, कौन? बाप और बेटे। तो आदमी ने उन्हें मूर्ख क्यों कहा? तो एक आदमी मिला और उन्हें मूर्ख कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब वो लोग पैदल जा रहे थे, बाप और बेटे, तो उनके पीछे पीछे एक उनका गधा भी जा रहा था। तो गधे को खाली देकर वह व्यक्ति उन्हें मूर्ख कहा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, लड़के को गधे पर बैठे देखकर आदमी ने क्या कहा? लड़का जब गधा को बैठकर चल रहा था तो एक दूसरा व्यक्ति मिला और कहा, लड़के को गधे पर बैठा देखकर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम्हारा बूढ़ा बाप पीछे पीछे चल रहा है और तुम गधे पर बैठे हुए हो। अब तीसरा प्रश्न है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हमें वही करना है जो उचित हो और अपने समझ से अच्छा हो या दूसरों को देखने से भी अच्छा लगता हो और अपने समझ का प्रयोग करते हुए किसी काम को करना चाहिए। किसी के कहने के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अब अगला प्रश्न है लिखित कौशल। देखिए, लिखित कौशल में क इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, आदमी और लड़के के साथ कौन था? आदमी और लड़के के साथ कौन था? तो आदमी और लड़के के साथ एक गधा था। क्या था? गधा। दूसरा है, सबसे पहले उन्हें कौन मिला? सबसे पहले उन्हें कौन मिला रास्ते में? तो सबसे पहले एक व्यक्ति मिला। तो सबसे पहले उन्हें एक आदमी मिला, ठीक है। तीसरा है, अंत में बाप बेटे ने क्या किया? अंत में बाप बेटे ने क्या किया? तो अंत में बाप बेटे ने गधे से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति था, उसने कहा कि तुम लोग के अंदर थोड़ा सा भी दया नहीं है कि एक गधे पर दो दो व्यक्ति बैठ गए हो, शर्म करो। इसीलिए बाप बेटे दोनों गधे से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। तो चलिए प्रश्न देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। जो विकल्प सही होगा उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। पहला है, बूढ़ा आदमी और उसका जवान बेटा कहाँ जा रहे थे? बूढ़ा आदमी और उसका जवान बेटा कहाँ जा रहे थे? शहर, अपने गांव या जंगल में? तो शहर जा रहे थे, ठीक है। दूसरा है, गधे पर पहले कौन बैठा? गधे पर पहले कौन बैठा? बाप बेटा दोनों। तो पहले बेटा बैठा, इस पर सही लगा देंगे। तीसरा है, जब रास्ते में औरतें मिली तो गधे पर कौन बैठा? रास्ते में औरतें मिली तो कहने लगी कि इस बूढ़े को शर्म नहीं आ रही, फूल सा कोमल सा बेटा पैदल चल रहा है, बूढ़ा बैठा हुआ है। तो बूढ़ा आदमी कहा कि बेटा तुम ही बैठ जाओ। तो कौन बैठा? जब रास्ते में औरतें मिली तो गधे पर कौन बैठा? जवान लड़का। इस पर सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न ग, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। सही शब्द दिया हुआ है, उसको चुनना है और खाली जगह में भर देना है। क्या क्या दिया है? आदमी, दोपहर, सामने, पैदल, जमाना। इनमें से चुनना है और खाली जगह में भर देना है। पहला है, यहाँ खाली जगह पहले ही दिया है, से आदमी आता दिखाई दिया।
तिहार भरा जाएगा सामने सामने से आदमी आता दिखाई दिया, ठीक है। दूसरा में है उन्हें उस खाली स्थान है कि बात ठीक लगी उस आदमी, यहां आदमी भरा जाएगा आदमी, ये भरा जाएगा आदमी की बात ठीक लगी। तीसरा है देखो कैसा, अब यहां क्या भरा जाएगा खाली स्थान है आ गया जमाना जमाना आ गया, देखो कैसा जमाना आ गया। चौथा है खाली स्थान है का समय हो गया, का समय हो गया दोपहर दोपहर का समय हो गया, ठीक है। यहां पांचवा नंबर में दोनों खाली स्थान है चलने लगे पैदल पैदल चलने लगे। तो बच्चों लिखित कौशल में प्रश्न क ख ग हो गया। देखिए प्रश्न भाव, ये प्रश्न कह रहा है कि वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार सही क्रम डालो। ये कुछ पंक्तियां दे दी गई है, इन पंक्तियों को सही क्रम में लिखना है कहानी के अनुसार कि कौन पंक्ति सबसे पहले आएगी या कौन पंक्ति बीच में कौन पंक्ति सबसे बाद में, ठीक है। क्रम क्रम से जा देना है कौन एक नंबर पर कौन दो नंबर पर कौन तीन नंबर पर कौन चार नंबर पर और कौन पांच नंबर पर। तो पहली पंक्ति को देखेंगे बाघ बाप बाप गधे पर बैठ गया, बाप गधे पर बैठ गया, ये पहला नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। यह सुनकर लड़का गधे से उतर गया, ये पहला है, पहला नंबर इसमें डालिए सबसे पहले रहेगा। उसके बाद जब लड़का उतर गया तो कौन बैठ गया, बाप गधे पर बैठ गया, ये दूसरा नंबर है। और दोनों चल पड़े दोनों चल पड़े, ये तीसरा नंबर हो गया। चलने के बाद रास्ते में क्या हुआ, कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दो औरतें मिली, चौथा नंबर, ठीक है। अब उन्हें देखकर एक औरत ने कहा देखो कैसा जमाना आ गया, बूढ़ा आदमी शान से गधे पर बैठा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया पांच नंबर, तो एक दो तीन चार पांच इसका सीरियल हो गया, क्रम हो गया। तो बच्चों आपका लिखित कौशल समाप्त हुआ, अगले दिन मैं भाषा कौशल पढ़ा दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।